पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने पारदर्शी नियुक्ति की जताई उम्मीद, नियुक्ति पारदर्शी हो। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल पुलिस की परीक्षा देने वाले नौकरी पेशा अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। जिला दर जिला पश्चिम बंगाल पुलिस की परीक्षा रविवार को हो रही है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों की परीक्षा ली जा रही है। जलपाईगुड़ी में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जा रहा है। हाल ही में शिक्षकों की नौकरी में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लंबे समय तक काम करने के बाद भी हजारों की संख्या में लोगों की नौकरियां रद्द कर दी गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल पुलिस की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार पारदर्शी नियुक्ति चाहते हैं। उनका कहना है कि योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति हो ताकि भविष्य में उन्हें नौकरी खोने का डर ना हो। लेकिन कई लोग आशावादी है कि इतनी बड़ी गलती से सीखने के बाद राज्य पारदर्शी रूप से नियुक्तियां करेगा। পরীক্ষা নিয়ে এই যে রাজ্যে যেরকম চলছে তাতে কি আশা করছেন? যে আপাতত তো ঠিকঠাক আছে, এখন পরীক্ষা ঠিক মতন চেক ইন হচ্ছে এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে, পরীক্ষা ভালোভাবে হলেই ভালো। কি মনে হচ্ছে স্বচ্ছভাবে চাকরি? হ্যাঁ, ওটা স্বচ্ছভাবে চাকরিতেই হোক এটাই আমরা চাই, যাতে কোনো দুর্নীতি না হয়। আপনার নাম? বিপ্লব শর্মা, হলদুয়ারি থেকে আসছি। কুদবাই কোন স্কুলে পড়েছে? সিট এফডিআই স্কুল। এফডিআই স্কুল রিক্রুটমেন্ট হবে কলকাতা পুলিশে। তা কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন? বিক্রম রায়। বললাম যে কতজন রিক্রুটমেন্ট কি বিষয় জানে?